स्टूडेंट्स आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर और राजनीतिक सिद्धांत को ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि राजनीति विज्ञान विषय में जो राजनीतिक सिद्धांत है ये राजनीति विज्ञान का जो विषय है वो तो बहुत विस्तृत है बहुत व्यापक है और राजनीतिक सिद्धांत उसमें जो काम करता है वो क्या है कि राजनीति राजनीति राजनीतिक चिंतन है ना राजनीति सरकार राजनीतिक व्यवहार इन सब का ये सब राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में स्थापित करते हैं ठीक है तो सिद्धांत के सिद्धांत क्या है एक निर्माण की क्रिया है ठीक है ना एक क्रिया है एक प्रक्रिया है और राजनीति विज्ञान में उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है अब जो राजनीतिक सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान को आ, के स्वरूप को है ना उसको विज्ञान बनाना है तो उसके स्वरूप को वैज्ञानिक रूप प्रदान करता है और ये आ, अरस्तु का नाम सभी ने सुना है मैंने प्लेटो और अरस्तु का जिक्र किया था तो प्लेटो का जो चिंतन है प्लेटो का जो राजनीतिक विचारधारा है जो विचार हैं वो आदर्शवादी विचार हैं और प्लेटो का आ, के जो सिद्धांत हैं उसमें दर्शन ज़्यादा झलकता है या वो दर्शन पर आधारित है और अरस्तु का जो राजनीति दर्शन है या जो राजनीतिक चिंतन है उसमें राजनीतिक व्यवहार जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है अब इसको विज्ञान की श्रेणी में हम लाएं जब हम कहें कि हम ये समाज विज्ञान का विषय हम पढ़ रहे हैं तो इसको विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए हम कैसे जो भी इससे संबंधित इसको वैज्ञानिक बनाने में इससे संबंधित जो भी राजनीतिक व्यवहार हैं या जो भी विचारधाराएं हैं वो किस प्रकार से इसमें शामिल होती हैं या शामिल हो सकती हैं ठीक है ना तो जैसे हम कहें कि कोई भी एक विषय है उस विषय को हम एक सैद्धांतिक रूप और उसका एक व्यवहारिक रूप बनाने के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं है ना तो उस वो उसमें व्यवस्था कैसे काम करती है हम उस किसी भी विषय को जनरलाइज़ कैसे कर सकते हैं या हम उसको सामान्यकृत कैसे कर सकते हैं है ना और उसके आधार पर हम जैसे कई बार होता है ना कि भविष्यवाणी होती है किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत बार देखा होगा आपने टीवी पर भी है ना इलेक्शंस जब होते हैं तब कैसे वो चुनाव होने से पहले और चुनाव होने के बाद रिजल्ट आने से पहले परिणाम आने से पहले तक किस तरह से रुझान के को लेकर के एक दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है किस तरह से पिछले चुनाव को लेकर के एक फीडबैक के आधार पर दृष्टिकोण प्रस्तुत होता है और आने वाले समय में आने वाले जो रिजल्ट्स हैं है ना भविष्य में तो वर्तमान भूत वर्तमान और भविष्य को लेकर के किस तरह से वो दृष्टिकोण स्थापित करते हैं और किस तरह से जो राजनीतिक व्यवहार है उसका उसको सामान्यीकृत करते हैं उसको जनरलाइज करते हैं उसको व्यवस्थित करते हैं और उसके आधार पर वो कुछ अम, सामान्य नियमों की स्थापना भी करते हैं है ना तो वो भविष्यवाणी क्या करते हैं कि अब आने वाला जो सत्ता होगी आने वाली जो सरकार होगी आने वाला जो राजनीतिक परिवेश होगा आने वाला जो राजनीतिक पर्यावरण होगा वो किस प्रकार का होगा है ना किस तरह से स्थापित होगा तो ये क्या है ये सब विज्ञान की श्रेणी में आते हैं ना वैज्ञानिक रूप से जो हम व्याख्या करते हैं ना किसी भी चीज़ की तो उसके पीछे वैज्ञानिकता क्या है है ना कि ये ये तथ्य इसमें हैं ये घटनाएं इसमें हैं है ना ये आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक परिवेश इसमें है वो सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं और उसके आधार पर वो आ, जो भविष्यवाणियां हैं वो की जाती हैं और रा, हम राजनीतिक सिद्धांत की जो एक प्रक्रिया है सिद्धांत क्या है ना सिद्धांत के आधार पर हम किसको समझना चाहते हैं है ना कोई मैथड होता है जैसे हम कह दें आ, आम भाषा में कि हम एक मैथड से एक तकनीक से हम विधि से कौन सी चीज़ को समझते हैं है ना जैसे हम कहें कि भी कृषि खेती होती है ना एग्रीकल्चर में कौन कौन सी तकनीकों का इस्तेमाल होता है उन उन तकनीकों से जैसे परंपरागत तरीके है ना और आधुनिक तरीके तो अब आधुनिक तरीके और परंपरागत तरीक़ों में क्या अंतर है परंपरागत तरीक़ों से खेती हो रही थी तो उसका उसके परिणाम क्या आ रहे थे आधुनिक तरीके से खेती होगी तो उसके परिणाम कैसे आएंगे उसके रिजल्ट्स क्या होंगे किसान किस प्रकार से काम करें तो कहने का मतलब ये है कि उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य क्या छुपे हुए हैं उसके पीछे क्या है कि किस तरह से आर्थिक शक्ति संपन्नता कैसे आएगी ठीक है ना हम सभी जानते हैं कि सत्तर प्रतिशत जनता जो है देश की वो गांव में निवास करती है तो तीस प्रतिशत शहरों में रहते हैं तो अब सत्तर और विकास कैसे हम विकास की जो दर मापते हैं वो कैसे मापेंगे कोई भी चीज का रिजल्ट जो है वो सौ पे निकलता है सौ परसेंट पे हंड्रेड पे तो कैसे मापेंगे जब सत्तर और तीस एक हो जाएंगे तो क्या करेंगे हम विकास की प्रक्रिया को समझेंगे उसके क्रम को समझेंगे विकास है ना विकास कौन से सब तरह का विकास आर्थिक विकास सामाजिक विकास राजनीतिक विकास है ना? सभी भारतीय संविधान के बारे में जानते हैं सब ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी है ना हम भारत के लोग तो उसमें जो एक एक शब्द है वो हमारे उद्देश्यों को परिलक्षित करता है है ना? जो हमारे परमानेंट उद्देश्य हैं जो कभी भी सत्ता कोई भी आ जाए सत्ता में कोई भी लोग आ जाए वो उद्देश्य वही रहेंगे लक्ष्य वही रहेंगे है ना काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है अ, अ, डिफरेंट हो सकता है लेकिन जो अ, सिस्टम है और जो उद्देश्य हैं वो परमानेंट है वो वैसे ही रहेंगे तो राजनीतिक व्यवहार को राजनीति शास्त्रियों ने अ, जो अ, जैसे हम कहते हैं ना साइंटिस्ट वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने अविष्कार किया है वैज्ञानिकों ने खोज की वैज्ञानिक ये कर रहे हैं वैज्ञानिक ये कर रहे हैं तो अब इसी तरह से जो राजनीति शास्त्री हैं है ना वो भी एक प्रकार के वैज्ञानिक हैं इसमें कई सारे ऐसे नाम आएंगे हम प्लेटो का नाम पढ़ते हैं हम अरस्तु का नाम सुनते हैं है ना तो यहाँ भी राजनीति शास्त्र से राजनीति विज्ञान की तरफ उसको विज्ञान इस विषय को विज्ञान बनाने के लिए Uh, कई सारे जो राजनीति वैज्ञानिक हैं राजनीति शास्त्री हैं उन्होंने काम किया अब डेविड ईस्टन आप लोग आगे चल कर के पढ़ेंगे तो डेविड ईस्टन का नाम आएगा आमन पावेल का नाम आएगा आमन वर्बा का नाम आएगा रॉबर्ट डहाल का नाम आएगा है ना कार्ल डाइच का नाम आएगा ऐसे कई सारे नाम हैं हेरल्ड लासवेल का नाम आएगा क्योंकि हम क्या है कि हम इस विषय को वैज्ञानिक बनाने के लिए विज्ञान की श्रेणी में लाने के लिए हम समाजशास्त्र भी पढ़ रहे हैं इसमें शामिल कर रहे हैं हम अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर रहे हैं हम इतिहास विषय को भी इसमें शामिल कर रहे हैं हम ऐसे कई सामाजिक विषयों को इसमें शामिल कर रहे हैं किस लिए कि राजनीतिक व्यवहार को कैसे समझा जा सके है ना राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जैसे हम कहते हैं ना कि कौन होता है सिस्टम में कौन है सॉरी जनता है सत्ता है या हम कहें नागरिक हैं सरकार है तो किसके बीच संबंध शासक और शासितों के बीच संबंध सरकार या जनता के बीच संबंध है ना तो क्या क्या कैसे होगा अब सरकार जनता लोकतंत्र है हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है ठीक है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमारी जो जनता की मांगे हैं जो जनता के जरूरतें हैं उनकी इच्छाओं की पूर्ति उनकी जरूरतों की पूर्ति करना किसका काम है हमारे प्रतिनिधि जो हमने चुनकर संसद में बिठा दिए हैं ठीक है एक एक एग्जाम्पल है अब साधारण नागरिक और उच कुछ ऐसे नागरिक जिनको हम उच्च श्रेणी में रखते हैं ठीक है ना अब टाटा बिरला अंबानी इन सब के नाम सुने होंगे आप लोगों ने तो अब टाटा बिरला अंबानी कौन है ये समाज के साधारण वर्ग से उच्च वर्ग के लोग हैं एक ऐसे जिनको कहा जाता है राजनीति विज्ञान विषय की जो भाषा है वो कैबलरी है उसमें कहा जाता है इसको कि वो अभिजात वर्ग के लोग हैं अभिजन वर्ग हैं एलिट ग्रुप है वो समाज का तो जो जन साधारण की जो बातें हैं वो सत्ता तक सरकार तक पहुंचाते हैं है ना तो वो क्या है वो राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए जरूरी है जैसे अरस्तु ने कहा था कि प्रत्येक राज्य का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो नागरिक नहीं होता है नहीं होना चाहिए जब तक उसको राजनीति में रुचि नहीं हो राजनीति के प्रति वो जागरूक नहीं हो राजनीतिक व्यवस्था को वो समझने समझने में उसकी जागरूकता जरूरी है वो राजन राजनीति में सहभागिता रखता हो ठीक है तो वो दृष्टिकोण और वो वो सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी व्यवस्था के प्रति सिस्टम के प्रति जनमत संग्रह की प्रक्रिया में वो भाग लेगा निर्णय की प्रक्रिया में वो भाग लेगा तो वो व्यक्ति नागरिक कहलाने के योग्य होगा यानी कि उसके उसका जो ज्ञान है उस ज्ञान को वो राजनीतिक व्यवस्था में इस्तेमाल करेगा या करवाएगा वो नागरिक है ऐसे लोग नागरिक हो सकते हैं तो राजनीतिक व्यवहार को समझना राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझना जैसे हम कहें ना कि राजनीतिक प्रक्रियाएं व्यवस्था में कौन सी चीज़ें जैसे कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका अब इनकी ये इनकी प्रक्रिया क्या है ये काम कैसे करती हैं तो इसको समझने के लिए हम संविधान उठा के देखेंगे कार्यपालिका का गठन कैसे होता है व्यवस्थापिका का गठन कैसे होता है है ना या न्यायपालिका का गठन कैसे होता है तो ये किस तरह से राजनीतिक व्यवहार को या किस तरह से एक विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रभावित करती है तो इस तरह से हम राजनीतिक सिद्धांत का जो उपयोग है उसका जो महत्व है वो बढ़ जाता है फिर हम बात करते हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी एक विषय में जो हम कहते हैं ना कि पूर्व में कही गई बातें और वर्तमान में कही गई बातें और उसके आधार पर भविष्य के रूप में कही गई बातें जो हैं उसके आधार पर विषय में ए, आ, कुछ आ, विषय में विषय को एकीकृत करना उसमें बिठाना जो पूर्व में कही गई चीजें हैं जैसे हम हम कहें कि वो गुरुत्वाकर्षण का नियम था ना है ना न्यूटन्स लॉ न्यूटन ने एक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया अब सिद्धांत की सेब जो है वो पेड़ से नीचे क्यों गिरा है ना बॉल ऊपर जाती है बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आती है पृथ्वी में कौन सी ऐसी एक आकर्षण शक्ति है जिसके द्वारा बॉल नीचे आती तो अविष्कार तो एक बार हो गया मगर शोध की जो प्रक्रिया है रिसर्च की जो प्रोसेस है वो निरंतर चलती रहती है यही विज्ञान है है ना इसी में वैज्ञानिकता है शोध तो खत्म नहीं होता रिसर्च चलती रहती है आप लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल कभी की बटन वाला होता था आज एंड्रॉयड हो आ गए आज टच स्क्रीन आ गए इसमें और एनहांसमेंट होती गई होती गई और टेक्निक्स बदलती गई बदलती गई तो साल दो साल में मोबाइल जो है आउटडेटेड हो जाता है फिर नया मोबाइल लाना है तो क्या है ये इस तरह के छोटे छोटे एक एग्जाम्पल्स हैं कि उसमें वैज्ञानिकता क्या है है ना वो समय के विकास के साथ साथ विकास की प्रक्रिया क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो विकास की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है अब डेविड ने जो राजनीतिक सिद्धांत के लिए जो बात कही है कि ये ये अवधारणाओं को समझने के लिए मतलब एक दिशा निर्देश का काम करता है ना दिशा निर्देश और उस आधार पर ये राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है फिर जो शासन प्रणाली है है ना उसको समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको औचित्यता प्राप्त करता है है ना औचित्यपूर्णता प्रदान करता है कि वो शासन प्रणाली और शासकों के जो किए जाने वाले उनके द्वारा जो किए जाने वाले कार्य होते हैं वो जो काम करते हैं वो काम जो हैं वो, वो कितने ऑथेंटिक हैं है ना वो काम कितने जनता के लिए ज़रूरी हैं या वो काम किए तो वो कैसे सिद्ध हो रहे है? सिद्ध हो रहे हैं तो सही है उनकी औचित्यता क्या है एक सिद्धांत के रूप में एक उपकरण के रूप में वो भूमिका अदा करता है ठीक है ना फिर राजनीतिक यथार्थ को समझने में ये बहुत अधिक सहायक होते हैं राजनीतिक सिद्धांत है ना फिर दूसरी बात की समस्याओं के समाधान में किस तरह से ये सहायक होते हैं ये और सिद्धांत है ना तो अर्नाल्ड ब्रेक्ट जो है इसको मानवता के लिए है ना विकास के लिए ये एक बहुत बड़ा एक उपयोगी जो एक दृष्टिकोण है वो माना है उसको स्वीकार किया है है ना फिर राजनीतिक सिद्धांत जो है वो सभी के लिए इसका बहुत महत्व है चाहे वो नागरिक हों चाहे वो चाहे वो शासन में काम करने वाले लोग हों चाहे वो राजनेता हों चाहे वो कूटनीतिज्ञ हों है ना यथार्थवादी राजनीति के पूरे स्वरूप को स्थापित करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सामाजिक व्यवस्था सामाजिक परिवेश और संवैधानिक और वैधानिक विकास के लिए भी रा, राजनीतिक सिद्धांत जो है वो बहुत ही आवश्यक है फिर परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है तो जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को समझने के लिए राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता होती है ठीक है तो इस आधार पर है ना हम देखें कि पूरे जैसे जब भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन वैश्विक होता है है ना परिवर्तन किस आधार पर होता है कि चाहे हम कह दें कोई क्रांतिकारी क्रांति हो उसके आधार पर, पर परिवर्तन है या फिर कोई और आंदोलन है उसके आधार पर कोई और घटनाएं हैं उसके आधार पर, पर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की जो का जो, जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यवहार को ही आ, स्थापित करता है और वहाँ उसको समझने के लिए जो सिद्धांत निर्माण की जो प्रक्रिया है वो उसको गति मिलती है है ना समय समय पर जैसे 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 आवश्यकता होती जाती है वैसे वैसे सिद्धांत को स्थापित करने के लिए या और दूसरे सिद्धांतों की निर्माण को गति मिलती है यही राजनीतिक सिद्धांत की जो उपयोगिता है और उसकी वैज्ञानिकता है वो बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं वो काम करती रहती है थैंक यू